आप लोगों ने इस तपती धूप में उनका स्वागत सत्कार किया, इस पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान कुमारी मायावती ने ऐलान कर दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में एक भूचाल सा आ गया है और ये डंका बज चुका है कि जो हमारी भोली भाली जनता को ये लोगों ने किसी तरह से छल करके सत्ता काबिज किए हैं, अब उनको बेनकाब किया जाएगा और झूठी बादशाही जो बटोल रहे हैं उनको एक एक खोल खोल कर हमारे माननीय आर एस कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों को दिशा निर्देश मान जी बताए हुए अनुसार बताएंगे और नई ऊर्जा भरेंगे जनता में। और काफ़ी हम लोगों विश्वास है, हमारी जनता में एक बहुत बड़ा उत्साह आया है। आप देख लीजिए गोरखपुर और फूलपुर तथा दो और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। कला दबा के मार देते हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। दलित समाज के बच्चों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, खींच के तब उनको मारा जा रहा है। मोबाइल नहीं चार्ज करते हैं तो उनको मारा जाता है, उठा ले जाते हैं, मार देते हैं, बंधक बना के मारते हैं। तो ये ढेर सारे घटनाएँ हो रही हैं जिन पर कोई आपको योगी सरकार नहीं लगा पा रही है। हर तरह से सरकार फेल है, जंगल आज कायम है और जिला किसानों का मूल्य भी 6 महीने पहले तक जो गन्ना दिया है दिसंबर से रखा था, दिसंबर तक भी पेमेंट हो पाया है, दिसंबर के बाद गन्ने का पेमेंट नहीं हो पाया है। किसान भी परेशान है, अपना गहना सोना चांदी बेच करके काम करा रहा है।